नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार, आप देख रहे हैं भोजपुरी की ताजा खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा खबर। पहली खबर है भोजपुरी के जुबली स्टार दिनेश लाल ने रहुआ जी की तरफ से कल रहुआ जी का चुनाव प्रचार करने के लिए कल्लू जी आजमगढ़ गए थे, जो कि आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं तस्वीरें। और लिटिल स्टार आर्यन बाबू भी गए थे आजमगढ़ चुनाव प्रचार करने के लिए रहुआ जी का। अगली खबर है भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के तरफ से पवन सिंह अब और जोरों शोरों से चुनाव प्रचार करना शुरू कर दिए हैं कराकाट में। और पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह और पवन सिंह की साली भी चुनाव प्रचार में उतर चुकी हैं। और कराकाट में मतदान होने वाला है 1 जून को, यानी 8 दिन आज से बचा हुआ है। अगली खबर है भोजपुरी के दबंग स्टार खेसारी लाल यादव जी की तरफ से खेसारी लाल यादव जी पवन सिंह का चुनाव प्रचार करने के लिए 29 तारीख को आने वाले हैं। जी हां दोस्तों, 29 तारीख को खेसारी लाल यादव पवन सिंह का चुनाव प्रचार करेंगे कराकाट में। अगली खबर है प्रदीप पांडे चिंटू जी की तरफ से, जिनकी सुपरहिट फिल्म जीना तेरे गली में 2 इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा 24 तारीख को सुबह 9 बजे डटे रंगीला के यूट्यूब चैनल पे। फिल्म को यूट्यूब पे देखिएगा, बहुत ही शानदार फिल्म बनाई गई है। अगली खबर है अरविंद अकेला कल्लू की तरफ से, जिनका एक बहुत ही जबरदस्त और कमाल का गाना आने वाला है, जिस गाने का नाम है तो ये देख के मिजाज, इस गाने को रिलीज किया जाएगा 22 तारीख को सुबह 7 बजे कैप्टन वॉच हिट्स के यूट्यूब चैनल पे। गाने को सुनिएगा, बहुत ही कमाल का गाना होने वाला है। अगली खबर है नीलकमल के तरफ से, जिनका एक बहुत ही जबरदस्त चुनावी गाना आने वाला है, जिस गाने का नाम है मोदी मनोज तिवारी के जिता दी है। इस गाने को रिलीज किया जाएगा वे म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पे आज या कल में। गाने को सुनिएगा, बहुत ही शानदार चुनावी गाना होने वाला है। अगली खबर है प्रमोद प्रेमी यादव के तरफ से, जिनका एक बहुत ही जबरदस्त गाना आने वाला है, जिस गाने का नाम है कैले बानी बीएड। इस गाने को रिलीज किया जाएगा वंश भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पे 22 तारीख को सुबह 7 बजे। गाने को सुनिएगा, बहुत ही कमाल का गाना होने वाला है। अगली खबर है प्रदीप पांडे चिंटू जी की तरफ से, जिनकी सुपरहिट फिल्म कभी खुशी कभी गम, इस फिल्म को 24 तारीख से आप सभी के नजदीकी सिनेमाघर में रिलीज किया जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश के सिनेमाघर में। फिल्म को सिनेमाघर में देखिएगा, बहुत ही शानदार फिल्म बनाई गई है। और दोस्तों, आप लोगों की आज की ताजा खबर कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।